दोस्तों, आप सबको रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं रक्षाबंधन स्पेशल पाइनएप्पल की मिठाई बनाने वाली हूँ। तो दोस्तों, इससे पहले भी मैंने राखी स्पेशल मिठाई बनाई है, आप चाहे तो जाकर हमारे चैनल पे चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने लौकी की मिठाई बनाई थी, आज मैं पाइनएप्पल की मिठाई बनाने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपने जो राखी की थाली देखी है, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने पाइनएप्पल के क्यूब को अच्छी तरह से धो करके साफ कर लिया है। आप तो जानते ही हैं दोस्तों, इसमें जो छोटे छोटे आँख होते हैं उसे अच्छी तरह निकालना पड़ता है। तो मैंने उन सबको अच्छे से साफ कर लिया है। इसके बाद मैं पाइनएप्पल को और छोटे छोटे पीसेस में काट लूंगी। तो चलिए दोस्तों, मैंने छोटे छोटे पीसेस में पाइनएप्पल को काट लिया है और एक ग्राइंडर जार लेके मैंने उसमें सारे पाइनएप्पल को डाल के मैंने उसका पेस्ट बना लिया है। तो देखिए दोस्तों, कितना गाढ़ा पेस्ट बन गया है। अब मैं इसे एक बड़ी छन्नी से छान लूँगी। तो दोस्तों, मैं इसमें अब 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर मिला रही हूँ। इसे अच्छे से मिला लेना है, कुछ इस तरह से। और फिर इधर मैं दूध पहले से ही गर्म कर रही थी दोस्तों, जिसको मुझे खोया बनाना है। तो इससे मैं करीब 20 मिनट से उसे उबाल ही रही थी। अब देखिए दोस्तों, दूध कितना गाढ़ा हो चुका है। थोड़ा सा और गाढ़ा करना है, उसके बाद मैं इस पेस्ट को उसमें मिलाऊंगी। दोस्तों, अब इसे अच्छी तरह से चलाते रहना है, 5-7 मिनट तक चलाते रहना है, ताकि ये नीचे से चिपके नहीं। अब मैं बीच बीच में एक एक चम्मच घी डाल रही हूँ। एक ही साथ घी नहीं डालना है, रुक रुक के एक बार डाल के उसे अच्छे से मिला लेना है। फिर जब वो मिल जाए तो फिर और एक चम्मच घी डालिए। इस तरह से 4 से 5 चम्मच घी डालिए, जिससे हमारी मिठाई जो है बहुत ही सॉफ्ट, मुलायम और स्वादिष्ट बनेगी। तो दोस्तों, लगभग ये पूरा बन के तैयार है। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार चीनी मिला रही हूँ। मैंने इसमें फ्लेवर के लिए इलायची कूट के डाल दिया है। दोस्तों, अब मैं इसे और चला के सुखा रही हूँ। आपको इसे काफ़ी देर तक चलाते रहना है दोस्तों, कम से कम 5-10 मिनट तक चलाते रहना है। उसके बाद जाके देखिए इसका टेक्सचर कितना गाढ़ा हुआ है। दोस्तों देखिए, ये बनने ही वाला है। अब मैं इसमें 2 बूंद फूड कलर मिला रही हूँ। आप चाहे तो दूसरा कलर भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास ऑरेंज कलर था तो मैंने ऑरेंज कलर मिलाया। अब इसे चलाते रहिए दोस्तों, फिर देखिए कि इस तरह से टेक्सचर जब पूरा गाढ़ा बन जाए तो समझ जाइए कि मिठाई बन के तैयार है।
अब मैंने एक प्लेट ले लिया है, उसके ऊपर घी ब्रश से लगा लिया है। आप चाहे तो इसके ऊपर बटर पेपर यूज कर सकते हैं। अब मैं इसे अच्छे से फैला लूँगी और इसके ऊपर से मैं थोड़े से काजू और पिस्ता, जिसे मैंने बारीक काट के फैला दिया है। और इसे सेट होने के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया है 2-3 घंटों के लिए। तो बन चुका है हमारा मिठाई पाइनएप्पल की। आप खाइए और मज़े कीजिए। आप सबको राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसी वीडियो आपके लिए लाती रहूंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा हमारी वीडियो को पहले देखने के लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं और एक वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।